ये ना हमारे परदादा जी के टाइम का ये सारा डेरा हुआ करता था। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बाढ़ का दरख्त था। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ UGTV। इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे कुछ ज़मीनों का विज़िट जो कुछ पिछले दिनों में हमने किया, पापा जी साथ थे। उन ज़मीनों का विज़िट करके उधर से एक दरख्त की हमने खुदाई की, खुदाई करने के बाद उसको फैक्ट्री ले गए, फैक्ट्री जाके लगाया, फिर फैक्ट्री में डेयरी का इंट्रोडक्शन किया और बहुत सारी मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। और विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम जा रहे हैं अपने 209 चक अकालगढ़। तो चलते हैं वीडियो के स्टार्ट के अंदर। ये अब हम कल वाले मसले की बात कर रहे हैं जो कल मैंने रिकॉर्ड की थी, कि ये जो हमारा बम्पर की अंडर साइड है वो निकली जा रही थी। इस मसले को अब हम कोशिश करेंगे कि एक जुगाड़, जिसे पाकिस्तानी लैंग्वेज में कहा जाता है, कि उसको हम बांध दें और ये फिर नहीं वो रूट के साथ ना फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। नाउ बैक टू अवर जर्नी। देख सकते हैं ये ग्रैंडी 2018 मॉडल जब रिलीज हुआ था तब भी इसकी एक बहुत इसको मकबूलियत हासिल थी। और अभी हम ड्राइव पे जा रहे हैं और अब तक इस गाड़ी ने हमें कोई इश्यू या प्रॉब्लम नहीं किया। तो ये गाड़ी एक बहुत ही पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के अंदर यूज़ करने के लिए एक बहुत बेहतरीन कार है, फॉर फैमिली यूज़ और फॉर इंडिविजुअल यूज़। इवन इसे आप आउट ऑफ स्टेशन पर अगर लेके जाना चाहें तो लेके जाएंगे, तो फिर वो आपको एक बहुत अच्छा इकोनॉमिकल तकरीबन 10-11-12 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज के साथ अगर इसे आप चला सकते हैं, अगर आप इसे सही चलाएं हल्के पैर के साथ। अगर आप इसको भारी पैर के साथ ड्रिफ्टिंग कट ब्रेक्स वगैरह को कंट्रोल ना कर पाएं, इफ़ यू नॉट अ गुड ड्राइवर, तो फिर ये एवरेज देती है तकरीबन 10 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। तो फ्यूल कंजम्पशन भी इस गाड़ी की बहुत इकोनॉमिकल है, फॉर फैमिली यूज एंड इंडिविजुअल यूज। इस वक्त ये गाड़ी हम ड्राइव कर रहे हैं 9.8 किलोमीटर पर लीटर पे, लेकिन जब मैं ये गाड़ी ड्राइव करता हूँ तो वो मेरी तकरीबन 10.3-10.4 किलोमीटर पर लीटर तक इसकी एवरेज आती है। अपने व्यूअर्स से भी ये कहूंगा कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन में पड़ जाएं, तो अगर आपको नजर आए कि यार आगे से 2-3 गाड़ियां नजर आ रही हैं, पीछे से रास्ता नहीं बन रहा, तो डेफिनेटली एक गाड़ी को पहले ही साइड पे कहीं पर रख के रोक लें, ताकि एक ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो धर्म भरम ना हो। पाकिस्तान स्पेशली फैसलाबाद के अंदर ये कल्चर है कि जिधर जगह मिले उधर गाड़ी को हम डाल देते हैं, छोटी से छोटी जगह पे भी। सर्टन सिचुएशंस के अंदर ये काम करता है, लेकिन अगर एक ट्रैफिक जैम आपको क्रिएट होता नज़र आ रहा है
तो उससे आप खुद अवॉइड कर लें, आपकी वजह से वो ट्रैफिक जैम ना ही हो, तो वो एक बहुत पॉजिटिव कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए, इवन पाकिस्तान के लिए। हम फिर वार्डन वगैरह को जो आमतौर पे इसका ब्लेम करते हैं या हुकूमती इदारों को ब्लेम करते हैं, वो ब्लेम हम उन पे नहीं करेंगे, वो हमारी अपनी एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा हो जाएगी। तकरीबन इस रूट पे अब हमें नज़र आ रही है काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है। मुझे अच्छे तरीके से याद से आज से तकरीबन 3-4 साल पहले तक इस रूट से गुजरना एक खौफनाक मंजर, और इस रोड पे जाने के लिए ना बहुत हौसला अफजाई चाहिए होती थी, लेकिन अब इस रोड पे काफ़ी ज़्यादा फार्म हाउसेस, पूल वगैरह, एक दो भट्टे ओपन हो चुके हैं, जिसकी वजह से इधर एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एक इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमें नज़र आ रही है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर पाकिस्तान। गर्मियों की सीज़न के अंदर हमें इस रूट पर ज़्यादातर पूल्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, जिनकी वजह से जो आम पाकिस्तानी हैं जो गर्मियों में पूल वगैरह में नहाना पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी एक आउटडोर एक्टिविटी के तौर पर ये एरिया डिवेलप हो रहा है। आगे जाके हम आपको दिखाएंगे कि एक दो कॉलोनीज भी इधर बहुत अच्छी डिवेलप की जा रही हैं, वॉश कॉलोनीज जिन्हें हम कहेंगे, और उन इन्वेस्टर्स ने उस पर काफ़ी पैसा लगाया है। तो ये मेरे ख्याल से इन द कमिंग नेक्स्ट 2-3 ईयर्स ये एक बहुत अच्छी प्लेस ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टर्स बन सकती है, वो एक फार्म हाउस जिसकी मैं बात कर रहा था। और इधर के जितने भी फार्म हाउस ओनर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो ना कि सिर्फ अपने फार्म हाउस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या उनको डेवलप कर रहे हैं, बल्कि के अपने इर्द गिर्द की बन्नी रोड साइड लाइन्स को भी साथ साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन इस एरिया के जितने भी MNA MPs हैं उनसे ये दरख्वास्त है, जैसे कि ये देखिए ये ट्राली जा रही है, इसके ऊपर कोई तरपाल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये रोड इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने बनाई है, अगर वो इन ट्रॉलीज के ऊपर एक या जो लोकल काउंसिल है इस एरिया की भी, वो अगर इधर एक इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दें, क्योंकि जितनी भी ये मिट्टी वाली ट्रॉलीज हैं या जो ये ईंटे वाली ट्रॉलीज हैं इनके ऊपर एक तरपाल और एक कवर दे दें, तो उससे एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा कम चांसेस हो जाएंगे। ये एक स्कूल यहाँ पे खुल रहा है, बहुत ही अच्छा स्कूल मुझे लग रहा है, मेंटोर इंस्टीट्यूशन के नाम से। तो जैसा कि पहले मैं ये कह रहा था कि ये एक डेवलपिंग एरिया ऑफ फैसलाबाद है, जो लोग इधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आज, उनको इसका रिटर्न आने वाले 4-5-10 सालों के अंदर ज़रूर नज़र आएगा। तो इफ यू आर एन इन्वेस्टर, स्पीकिंग फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू इन्वेस्ट योर मनी इन एट द मोमेंट। ये वो भट्टा जिसकी मैं पहला जिक्र कर रहा था, क्योंकि देखिए किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी या बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि उसके इर्द गिर्द उसके जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हो, लाइक एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयज अवेलेबल हो, जो रिसोर्सेज आपने उस बिल्डिंग को बनाने में तैयार करने हैं, ये वो दरबार जिधर हमने पहले कुछ पिछली अपने दो वीडियोस में विजिट किया था, हाँ, तो वो ज़रूरी है कि वो रिसोर्सेज उसके इर्द गिर्द हो। उसके 2-3 फायदे होते हैं, उसके एक पहला ये फ़ायदा होता है, एक तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन फीस में बच जाती है, दूसरा ये फ़ायदा होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो आपके साथ काम करने के लिए बहुत आसानी हो जाते हैं, आपको किसी दूर दराज एरिया या इलाके से चीज़ें नहीं मंगवानी पड़ती। ये उस कॉलोनी की बैकग्राउंड वॉल है, ग्रीनवी कॉलोनी, ग्रीन ऑर्चर्ड कॉलोनी, जो आज से तकरीबन 3 साल पहले बनाई गई, इसका भी आपको किसी दिन विजिट कराएंगे। अब जैसे जैसे हम गांव की आबादी के अंदर एंटर होते जा रहे हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये देखें ये साइड पे ये जिधर चलने की जगह है उधर कूड़ा क्रिकेट जमा किया गया है, लोगों ने अपने जितने भी जानवरों का गंद है, घरों का गंद है, वो इस साइड लाइन पे फेंका हुआ है। इनको चाहिए कि जो इधर एक हर शहर के अंदर, हर तहसील के अंदर एक ऐसी व्हीकल अपॉइंट की जाती है जो कि इस गंद को उठा के खाली प्लॉट में लेके जाके जला दिया जाता है उस प्लॉट को। लेकिन हमारे भी वो एक ऐसा प्लॉट है, अब पता नहीं वो सरकारी जमीन का प्लॉट है या प्राइवेट प्लॉट है, अलबत्ता उधर कचरे का ढेर लगाया जाता है, वो अभी आपको हम दिखाएंगे इस टर्न से पहले। ये देखें कितना खूबसूरत तरीके से इधर कचरा जमा किया गया है, और ये इधर साथ ही ये आबादी है, ये यहाँ पे 209 चक के रिहायशी लोग रहते हैं, और इसी रोड पे बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं, माएँ बहनें बैठी भी होती हैं, बुजुर्ग भी चल रहे होते हैं, लोगों की दुकानें भी हैं। तो ये देखें ये एक छोटा सा बच्चा सामने है, तो ये मैं आपको पहली वीडियोस में इसी बात कर अर्ज कर रहा था कि ये बहुत सारी बीमारियों का
जड़ है ना, इससे ना कि सिर्फ आपके गांव की खूबसूरती खराब होती है बल्कि कि आप अपने आने वाली जनरेशन को तबाह कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं उन बीमारियों से जिन बीमारियों से आप अभी उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ये देखें, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल, एक मॉडल हाई स्कूल 209 अकालगढ़ का, जिसके इर्द गिर्द ये देखें आज भी कचरा जमा हुआ हुआ है। वो हमने ये उसके इर्द गिर्द की नाली जिसकी हमने वीडियो बनाई थी, ये देखें कितनी अफसोसनाक बात है कि एक स्कूल जो कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है पूरे इलाके की, जिधर से लोग तालीम हासिल करते हैं, इस गांव के लोग बच्चे तालीम हासिल करते हैं, उनको ये सिखाया जा रहा है कि अगर आपको इस इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, अगर इस इंस्टीट्यूशन को बेहतर बनाना है और इस इंस्टीट्यूशन से सीखी हुई बातों पर अमल दरामद करना है, तो वो उसका अमल दरामद हमें ये देखें ये नजर आ रहा है। तो ये डेफिनेटली उनकी भी गलती नहीं है जो स्कूल के मालकान है या स्कूल के प्रिंसिपल है। एक तो उनको जो गांव के चेयरमैन है उनके साथ मीटिंग करके, उनके साथ रابطہ करके इस चीज पे एक्शन लेना चाहिए ताकि हमारा गांव जो एक खूबसूरत अकालगढ़ 209 चक है वो एक एज एन ग्लोबल कम्युनिटी के तौर पे सामने है, ना कि एक जिसे हम इस जुबान में, और इस जुबान से ये जो लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ इसे किसी हद तक नहीं होनी चाहिए, एक पेंड के तौर पे सामने है। इट शुड बी अ ग्लोबल विलेज नॉट अ पेंड। ये देखें ये एक पूल और बन रहा है। तो लोग डेफिनेटली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स तो कर रहे हैं पूल्स के ऊपर, फैक्ट्रीज के ऊपर, लेकिन जो चेयरमैन साहब हैं या जो बाकी से ऐसी शख्सियात हैं उनको चाहिए कि इन छोटे छोटे मसलों पे भी एक्शन लें, अमल करें, और बल्कि कि ये जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इनके साथ मिलके इन चीज़ों पर एक्शन लिया जाए। और ये जो खेत के अंदर जो दूर दराज मरबे इलाके हैं ये इंतहाई खूबसूरत हैं। अगर आप इधर चल के जाएं तो आपको एक एक पुरसकूनियत का एक एहसास मालूम होगा जो कि आपको उधर जाके पता चलेगा। तो आप इस गांव को जरूर विजिट करें, विजिट करने के साथ साथ उन इलाकों को भी विजिट करें। ये अब हम पहुंच गए हैं अपनी तारीख से ही विविंग 209 चक। सामने ही हमारा गनी फार्म हाउस है, वो तकरीबन 2-3 महीने के अंदर इसकी ओपनिंग है। तो वो आप हमारा पेज गनी फार्म हाउस को लाइक करें, उससे रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स और पोस्ट हैं वो मैं उस पेज के थ्रू आपके साथ शेयर करता रहूंगा। ये देखें, ये हम आ गए, ये हमारा जन्ना चौकीदार, इंतहाई लॉयल, काफी देर से हमारे साथ काम कर रहा है और हमें चाय भी बना के देता है। जाहिद साहब सामने से आ रहे हैं, मियां तारक साहब अपनी गाड़ी में लगता है कहीं जा रहे हैं, तो अब हम उनके साथ मरब्बे जा रहे हैं। अशरफ वगैरह सब हमारे साथ है, पूरी टीम। तो मरब्बे जाके मेरे ख्याल से आज हमने कोई एक्शन करना है, तो वो एक्शन हम देखते हैं, एक्शन इन एक्शन। ये वो डेरा है जिसको हमने पिछले तकरीबन दो नस्लें पुराना है। ये नई बात पता चली है, अलबत्त इसको हमने 5 हफ्ते पहले विजिट किया था, लेकिन ये मियाँ साहब ने हमें एक नई बात बताई है कि इस डेरे को तकरीबन 2 नस्ल हो गए हैं। अपनी फैक्ट्री की बैक साइड, और ये वो फैक्ट्री की बैक साइड। ये ना हमारे परदादा जी के टाइम का ये सारा डेरा हुआ करता था। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बाढ़ का दरख्त था, यहाँ पे गुड़ निकालने वाली वो लगा हुआ था कड़ाया, और जहाँ पे जानवर हुआ करते थे, और ये मेन डेरा ये हुआ करता था। उसके बाद जब भाइयों ने जमीनें आपस में तकसीम कर ली तो 3-4 डेरे बन गए। हमने अब तक ये उसी डेरे को आबाद रखने के लिए ये जो थोड़ी सी जगह रखी हुई है ताकि ना ये चीजें याददाश्त में रहे, लेकिन क्योंकि अब ये जमीन हमने सेल आउट कर दी है तो ये बाड़ हम इसे अब काट के इसे क्रेन से निकाल के तो हम अपनी फैक्ट्री में ले जाके भैंसों के डेरे पे लगाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, बेहतर है। ये देखें लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे हम इस दरख्त को काट रहे हैं,
था जो हम वो अपनी दूसरी ज़मीनों से वहाँ पे हमने तकरीबन वो ज़मीनें सेल आउट कर दी हैं, तो ये पौधा वहाँ पे उन्होंने वो वहाँ कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं, तो उन्होंने इसे अखाड़ना था, तो हम इसकी बहुत बड़ी से गाची निकाल के क्रेन पे लोड करके और यहाँ पे आके हमने लगा दिया। इसका हमें ये फ़ायदा हुआ है कि ये साथ में ये जो हमने लगाई हैं, ये ब्रांचेज लगाई हैं, ये किसी लगाई हैं कि ये जो जानवर है ना, ये इसके साथ आके जो ताज़ा नया पौधा आता है ना, उसके साथ आके उसे वो टक्कर मारते हैं, तो वो फिर हो नहीं पाता। छोटे पौधे मैंने यहाँ पे कई दफ़ा लगाए हैं, कुछ ही ऊपर से उसकी उसके लीव्स खा लेती हैं और उसे वो उखाड़ देती हैं। अब ये मैंने बड़ा पौधा लगाया है, अगर मैं छोटा पौधा लगाता तो 20 साल में, तकरीबन 20 साल में ये इस हाइट पे पहुँचना था, तो अब ये हमें वो बना बनाया, अभी इसे 2-4-6 माह लगेंगे सेट होने में, उसके बाद ये ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा। ये तकरीबन इसकी क्या उम्र है? इसकी उम्र तकरीबन 15 से 18 साल है। 18 साल पुराना ये दरख्त, ये जैसे आप देख सकते हैं ये इस दरख्त की दाढ़ी है, बड़का दरख्त है, बड़का ये बड़का दरख्त है, इसको कहते हैं कि ये इसकी दाढ़ी निकल रही है, तो तकरीबन मेरे ख्याल से ज़मीन पर सबसे पुराना दरख्त यही है। ये पॉन्ड जो आपने इधर बनाया है, ये छोटा सा तालाब, ये पॉन्ड हमने इसलिए बनाया है कि ये जो बफलो है, गाय है, ये पानी का जानवर है, ये पानी में खुश रहता है। वैसे तो हमने इन्हें यहाँ पे ताज़ा पानी दिया हुआ है, पीने के लिए ताज़ा साफ पानी है, इनके लिए नहाने के लिए ताज़ा साफ पानी है, लेकिन इसके बावजूद ये क्योंकि ये जंगल का जानवर है, तो ये पानी में ही, ये तो साफ पानी है हमारा, कैनाल का पानी है, वो जो गाँव में बने होते हैं वो जिसे छप्पड़ कहते हैं, तो उसमें वो गंदा पानी होता है, लेकिन ये जाके उसमें ही बैठना पसंद करते हैं। अब आगे गर्मियाँ आ रही हैं, ये दिन के वक्त जब ये हम खुले छोड़ेंगे तो आगे इसमें 1-2 घंटे 3 घंटे बैठेंगे, तो ये अब सुकून फील करेंगे, और इसमें दूध में भी फ़ायदा होता है, जो जानवर हमें 8 किलो दूध दे रहा है, इस वजह से वो 10 किलो देगा।